नमस्कार दोस्तों, अन्नपूर्णा रसोई चैनल पर मैं एकता आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ चटपटा मसाला बैंगन। हाँ फ्रेंड, बहुत ही टेस्टी बनता है, इसे बनाना बहुत ही आसान है, आपको और आपकी फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। चलिए तो फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए मैंने 500 ग्राम छोटे बैंगन लिए हैं और इसे मैंने अच्छे से धोकर साफ कर लिया है और अब हम इन्हें कट करेंगे। तो कट करने के लिए हमें एक बैंगन लेना है और इस तरह से दो पीसेस और फिर चार पीसेस में कट कर लेना है, पूरा नहीं काटना है और सारे बैंगनों को हमें इसी तरह काटना है और देख लेना है इसके अंदर कीड़े तो नहीं है। और अब हम गैस पर एक कढ़ाई चढ़ाएंगे, गैस को ऑन कर देंगे, गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और इसके अंदर डाल देंगे हम 2 से 2.5 बड़े चम्मच तेल। तो तेल आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं, अगर आप कम तेल खाते हैं तो 1.5 चम्मच तेल ही इसके अंदर डालें और तेल को हमें अच्छे से गर्म होने देना है। जब तेल गर्म हो जाएगा 2 तेज पत्ता डाल देंगे और 2 लौंग डाल देंगे और आप इसके अंदर और भी खड़े मसाले डाल सकते हैं। 1 चम्मच जीरा डाल देंगे, 1 लहसुन की कलियां जिसे मैंने काट लिया है वो डाल देंगे। यहाँ पे आप 1/2 छोटी चम्मच हींग की भी डाल सकते हैं और 1 हरी मिर्च जिसे मैंने बारीक कट कर लिया है और इसे हम चलाते हुए भून लेंगे। जब लहसुन का हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा तभी हमें इसके अंदर प्याज डालना है। तो प्याज को मैंने बारीक कट कर लिया है, मैंने 4 प्याज ली थी जिसे मैंने बारीक कट कर लिया था। आप प्याज का पेस्ट भी यूज कर सकते हैं। अगर 2 बड़े प्याज ले रहे हैं तो आप 2 ही प्याज लें, मैंने मीडियम साइज के प्याज लिए थे। और प्याज को भी हमें चलाते हुए भून लेना है। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे, मीडियम फ्लेम पे ही प्याज को हम भूनेंगे। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे थोड़ी सी अदरक। अदरक को मैंने कद्दूकस कर लिया है, आप लहसुन अदरक का या पेस्ट भी डाल सकते हैं। इसे भी हम अच्छे से मिक्स करते हुए भून लेंगे। आप यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट भी यूज कर सकते हैं। तो कंटिन्यू चलाते रहना है, आप देखेंगे कि थोड़ी ही देर में प्याज जो है वो भुन गया है। और अब हम इसके अंदर मसाले डालेंगे, 1 चम्मच डाल देंगे लाल मिर्ची का पाउडर, धनिया पाउडर डाल देंगे 1 चम्मच, हल्दी पाउडर डाल देंगे 1/2 चम्मच, 1/4 चम्मच डाल देंगे हम काली मिर्च का पाउडर। इससे हल्का सा तीखापन आएगा और काली मिर्च हमारी आंखों के लिए काफी अच्छी होती है। तो लाल मिर्च चाहे आप ना डालें पर काली मिर्च सब्जी के अंदर जरूर डालें, बहुत ही अच्छी होती है। 1/2 चम्मच हम इसके अंदर जीरा पाउडर डाल देंगे, नमक डाल देंगे 1/2 चम्मच और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। नमक फ्रेंड आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा रख सकते हैं। थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मसाले को तब तक भूनेंगे जब तक कि मसाला अच्छे से तेल नहीं छोड़ देता। तो आप देख सकते हैं मसाला जो है तेल छोड़ दिया है और मसाला भुन गया है। थोड़ी सी हम इसके अंदर कसूरी मेथी डाल देंगे, कसूरी मेथी से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, मैंने रोस्टेड कसूरी मेथी का यूज किया है। और अब हम इसके अंदर टमाटर की प्यूरी डाल देंगे। तो मैंने 3 टमाटर लिए थे बड़े साइज के, उसको चॉपर में चॉप करके उसकी ये प्यूरी बना ली है। थोड़ा सा पानी डाल देंगे और मसाले को हम अच्छे से भूनेंगे। जितनी अच्छे से मसाले की भुनाई होगी सब्जी उतनी ही टेस्टी बनेगी। तो कंटिन्यू चलाते हुए आपको मसाले को भूनना है। 1/2 छोटी चम्मच इसके अंदर हम गरम मसाला डाल देंगे। तो मैंने गरम मसाला अभी डाल दिया है, आप सब्जी बनने के बाद भी डाल सकते हैं। 1/2 छोटी चम्मच ही हम इसके अंदर लाल कश्मीरी मिर्च डाल देंगे
इससे कलर अच्छा आता है। मिर्च जो है ये तीखी नहीं होती है। तो थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि मसाले ने तेल छोड़ दिया है और मसाला बहुत ही अच्छे से भुन गया है। और अब हम इसके अंदर हमारे बैंगन डाल देंगे और बैंगनों को भी मसाले के अंदर अच्छे से मिक्स करेंगे। ये चटपटी सी मसालेदार सब्जी आप एक बार जरूर बनाएं, कोई गेस्ट आए तब भी आप बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है। तो एक तेज पत्ता मैंने निकाल दिया है, आप दोनों भी निकाल सकते हैं क्योंकि तेज पत्ते की खुशबू सब्जी के अंदर आ गई है। और अब हम इसके अंदर डालेंगे आधा गिलास पानी। तो सब्जी को गाढ़ा पतला आप अपने हिसाब से रख सकते हैं फ्रेंड, तो मैं आधे गिलास पानी का ही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ज़्यादा पतली सब्जी मैं नहीं बना रही हूँ, लिपटमी सी सब्जी बना रही हूँ। क्योंकि ये बैंगन जो है वो कच्चे हैं, वो बहुत ही जल्दी बन जाएंगे, तो ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, ऊपर से कवर कर देंगे। 5 से 6 मिनट तक हम इसे मीडियम फ्लेम पर इसी तरह पकने देंगे। आप बीच में चेक कर सकते हैं ताकि सब्जी जो तले पे चिपके ना। तो फ्रेंड एक बार इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। फ्रेंड प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। 3 मिनट बाद हम एक बार सब्जी को चला देंगे ताकि सब्जी तले पे चिपके ना, और ऊपर से वापस से कवर करके 3 मिनट और पका लेंगे। 5 से 6 मिनट में ये सब्जी तैयार हो जाती है। 3 मिनट बाद हम वापस इसे चेक कर लेंगे। तो सब्जी में बहुत अच्छा कलर आया, आप सब्जी देखने से ही आपको पता लग रहा होगा कि ये कितनी टेस्टी बनी होगी। 2 हरी मिर्च डाली है मैंने क्योंकि मिर्च जो है मुझे खाने में बहुत टेस्टी लगती है इस तरह से। तो अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे 1 मिनट और पका लेंगे धीमी आंच पर। 1 मिनट बाद हम इसे वापस से चेक कर लेंगे। सब्जी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर से कवर कर देंगे। तो सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है और अब हम इसे सर्व कर लेंगे। तो बाउल के अंदर डाल लेते हैं हम सब्जी। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको और आपकी फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अन्नपूर्णा रसोई चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन ज़रूर दबाएं मेरे आने वाली वीडियो को देखने के लिए। फिर मिलेंगे एक नई और आसान रेसिपी के साथ। वीडियो को कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।